अगर दिख गए तो सुन रहे थे, नहीं देखे तो पता चल जाएगा। चलिए, जब अपनी टीम में हमने क्या शामिल किया, NTPC। देखिए, हम लोग कितने दिन से चर्चा कर रहे थे, NTPC का एक 21,000 करोड़ रुपए का 2,000 मेगावाट का एक प्लांट है जो बिहार में लग रहा है, कोल बेस्ड है। तो उसमें एक कंपनी है टेक्नोप्रोम करके, जो रूस की कंपनी है, वो वहाँ पे कुछ काम करती है, टेक्निकल काम, बॉयलर वगैरह सप्लाई करती बनाती है। तो उसको जो पेमेंट है सिस्टम, वो स्विफ्ट के जरिए होना है। अब उस पर लग गई रोक, क्योंकि स्विफ्ट के जरिए पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो गाड़ी फंस गई, यहाँ पे रुक गई है। कल इसका जवाब बाकायदा दिया गया। तो NTPC के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि NTPC का धंधा ही खराब हो रहा है कुछ भी, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूँ कि सैंक्शन का असर आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिखना शुरू होगा। तो इसलिए NTPC में हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर के साथ काम होना चाहिए। हीरो मोटो, यहाँ पर भी दबाव के साथ काम होना चाहिए। कल इनकम टैक्स विभाग ने अपनी जो जानकारी दी, उसमें उन्होंने बताया कि 800 करोड़ रुपए के जो बिल है, उसकी जो है इन्होंने क्या साइफन ऑफ किया, मतलब कुछ गड़बड़ किया है उसमें, और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए उसकी बिलिंग की गई थी जो गड़बड़ है। कुछ ज़मीन भी खरीदी गई है, उसमें भी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। तो जो पिछले दिनों सर्च एंड सीजर हुआ था, उसका ये परिणाम निकला है। तो जब पहले बार ये खबर आई थी तो स्टॉक बहुत नोज डाइव, 7% एक झटके में गिरा था। फिर दो दिन में थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ, क्योंकि कंपनी ने डिनाई किया था। अब दोबारा ये सच्चाई सामने आ गई, अब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर बनेगा, क्योंकि 800 करोड़ तो अभी मिल गए हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा और ये मामला कैसे खींचेगा, कितना लंबा चलेगा, तो वो दिक्कत आएगी। एक तो ये है, दूसरा प्राइस हाइक के भी असर है। इसी क्रम में अतुल ऑटो भी जोड़िए, बजाज ऑटो भी जोड़िए, मारुति भी जोड़िए और TVS मोटर जोड़िए, पूरे ऑटो पैक में आज मुझे लगता है कि रेड ट्रेड होना चाहिए। रीजन नंबर वन, नंबर्स आने हैं, तो नंबर कितने इनकरेजिंग होंगे ये हम लोगों को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उम्मीद से गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, यानी ओनरशिप ऑफ कार या बाइक बढ़ गई है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ गया है, कार के दाम खुद ही बढ़ गए हैं, और कार के दाम भी बढ़ गए, 2,000 रुपये तो हीरो अनाउंस ही कर चुका है। प्लस नई गाड़ियां लोग अभी नहीं खरीद रहे हैं, डिसीजन डिलेड है। ये एक चैनल चेक है, मैं अभी घूम के आया हूँ। नहीं क्या, मैं तो पुरानी बता सकता हूँ, कार ट्रेड का स्टॉक पिटे ही चले जा रहा है। तो नहीं, देखिए ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। पेट्रोल डीजल महंगा, CNG महंगा, गाड़ी की कीमत महंगी और गाड़ी का इंश्योरेंस भी महंगा, तो सब कुछ अगर महंगा होगा तो इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। रिटेल डिमांड वैसी ठंडी थी, और खास तौर पे एंट्री लेवल, कोई मारुति, कोई हीरो मोटोकॉर्प, इनके एंट्री लेवल से ज्यादा ट्रैक्शन आता है, और उसमें कहा जाता है ये इंपैक्ट करता है ओनरशिप कॉस्ट, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। एग्जैक्टली, बहुत, अरे मैटर करता भाई, 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल अगर आपको छोटे छोटे शहरों में मिलने लगा तो फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे तो पहले अंदाजा नहीं था कि एक बाइक वाइक कितने की मिलती है, 70-75 हज़ार से कम की एंट्री लेवल की बाइक भी नहीं है, एवरेज बाइक 75-70 हज़ार की मिलती है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा आज ये सेंटिमेंट के तौर पर प्रेशर करना चाहिए सेक्टर। अरे आज तो ऑटो नंबर्स के दिन था। ठीक है, अब देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं, इनको रखिए रडार पे। अच्छा, एक वो हमने कहा था पेट्रोल डीजल के दाम आज नहीं बढ़े, इसमें कुछ एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, धीरे से जोर का झटका लगा दिया सरकार ने, वो सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, कमर्शियल है। हाँ, तो कमर्शियल आज जो आप स्विगी से खाना मंगाओगे तो महंगा होगा। स्विगी तो दूर गया, वड़ा पाव जो कैंटीन में खाना है वो भी महंगा। हाँ, वड़ा पाव भी महंगा हो जाएगा। नहीं, अभी कल मुझे किसी ने बताया कि वो एक जगह जाते थे, वो 10 रुपए कोई चीज खाते थे, अब उसने 13 रुपए कर दिए। नहीं, हमारे वाले ने 10 ही रखी है, पर उसने वड़ा पाव में से पाव वड़ा हटा दिया, से पाव देता है वो। ग्रामेज का हो गया। अच्छा, दो दो